हे गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज का जो व्लॉग है वो एक छोटा सा इवनिंग व्लॉग है जिसमें मैंने बनाई है पालक पनीर, नो अनियन नो गार्लिक। 4 मिनट में हम बना के तैयार करेंगे नाश्ता। सो इट्स अ वेरी स्मॉल व्लॉग ऑफ माई इवनिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट व्लॉग में तो मैंने आप लोगों के साथ वीकेंड व्लॉग शेयर किया था और अब मैं शेयर कर रही हूँ वीकडे व्लॉग। तो दिन हो रहा है ट्यूसडे का। हम सभी लोग अराउंड 4:45 आ गए थे शाम को। बच्चों को शावर दुलवाया, थोड़ा उनको स्नैक्स वगैरह कराया और हम लोगों ने भी कुछ खाया और उनको थोड़ा जितना टाइम था होमवर्क कराया और अब मैं उनको लेकर आई हूँ पार्क। वैसे तो पार्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पर एक दो चीज़ें हैं जो प्रॉपरली लग गई हैं तो बस बच्चे उन्हीं से खेल लेते हैं। एंड जब पार्क से लौट कर आए तो गेट पर ही अमेज़न के 2 पार्सल पड़े हुए थे। मैंने किचन का कुछ सामान मंगवाया था, बहुत लाइट वेटेड थे तो ये बच्चे बोले मम्मा हम इसको ले आएंगे। एंड विवेक ऑफिस के बाद टेनिस खेलने जाते हैं तो बच्चों को पार्क यूजली इवनिंग में मैं ही ले जाती हूँ। तो विवेक गए हुए हैं टेनिस खेलने और बच्चों ने आकर स्नैक्स तो कर लिया था और अब मैं बनाऊँगी डिनर। तो डिनर में मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। पैन में लिया है थोड़ा सा घी और साथ में ही लिया है बटर। जैसे ही घी और बटर थोड़े से मेल्ट हो गए थे फ्लेम को कर दिया मीडियम। मीडियम फ्लेम पर मैंने डाला है जीरा, हल्दी और हींग। अच्छा, मैं इस सब्ज़ी को बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ। तीनों ही चीज़ों को मैंने अच्छे से सॉटी कर लिया है। उसमें डाल दी है 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हरी मिर्च का थोड़ा तीखापन कम हो जाता है तो मेरे बच्चे इस तरह से खा लेते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था। इसको भी मैंने डाल दिया है पैन में और इसको अब हम थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे। साथ में हम मसाले भी डाल देंगे क्योंकि मसाले और टमाटर दोनों एक साथ पक जाएंगे तो टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो जो रेगुलर मसाले होते हैं जैसे सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं टमाटर में ही डाल दूँगी तो हमारे टमाटर भी पक जाएंगे और साथ में हमारा मसाला भी भुन के तैयार हो जाएगा। पैन को कवर कर दिया है ताकि मसाला हमारा जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आप चाहें तो इस तरीके से इसको प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ब्लांच की हुई पालक की प्योरी। तो मैंने पालक को पहले ही वीकेंड पर ब्लांच कर लिया था, थोड़ी सी प्रिपरेशन मैं वीकेंड पे करके रख देती हूँ। एंड आप ब्लांच की हुई प्योरी का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल भी डिसअपीयर नहीं हुआ है और बस इसको मिक्स कर देंगे। मैंने जब ये सब्ज़ी में सूखे मसाले डाले थे तो मैंने खटाई नहीं डाली थी क्योंकि यूजली मैं पालक पनीर में ऊपर से लेमन डालती हूँ। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और एक साइड में मैंने पनीर के क्यूब्स को भी काट के रेडी कर लिया था, वो भी हम इसमें साथ में ही डाल देंगे। पनीर डालने के बाद एक बार और कर देंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद लिड लगा के कम मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट इसको और पकाएंगे। चाहें तो बीच बीच में चला दें ताकि ये नीचे से लगे ना, और उसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के जाएगी तैयार। मैंने इसको लिड लगा के 15 मिनट और पका लिया था और यहाँ पर एकदम सात्विक सी हमारी पालक पनीर की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। किचन का काम मैंने आज बहुत ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मेरी राइट रिस्ट में थोड़े दिन से पेन हो रहा है। मतलब इसको जब मैं नीचे की साइड बेंड करती हूँ तो मैंने वॉलिन लगवा के इस तरीके से पट्टी लगवा ली है और अब बस मैं बच्चों को यहाँ सुलाने लाई हूँ। थोड़ा बहुत होमवर्क जब ये पार्क गए थे उससे पहले मैंने करा दिया था और थोड़ा बहुत मैं अब करा दूँगी इनको। एंड अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो रही है और मैं जल्दी ही उठ गई थी और सभी के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर काट लिया है। 1 कप भुनी हुई मैंने जवे ले लिए हैं और थोड़ी सी मूंगफली ले ली है। आईपी को मैंने पहले ही सॉटी मोड पर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। आईपी में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा घी। तो आईपी में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, हींग, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे ही मसाले मैं घी में ही डाल दूंगी और इन मसालों को हम सॉटी कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने मूंगफली और वेजीज काट के रखी थी वो भी हम इसी टाइम पर इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे। तो पहले मैंने मसाले को सॉटी कर लिया है, उसके बाद मैं ये वेजीज और मूंगफली डाल के इसको मैं कर लूँगी सॉटी और इसको कवर नहीं करेंगे, बीच बीच में चलाते रहें। 1 कप इसमें डाल देंगे भुने हुए जवे और 1 कप भुने हुए जवे के लिए इसमें पानी जाएगा 2 कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और नमक डाल के मिक्स कर देंगे और हम आईपी को लगा देंगे। आईपी का लिड लगा दिया है और उसको मैं अब कर दूंगी प्रेशर कुक मोड पर और इसको 4 मिनट के लिए हम प्रेशर कुक कर लेंगे और ऊपर की जो आपको ये नोब दिख रही है इसको हम सीलिंग की तरफ कर देंगे। तो बस 4 मिनट में हमारे जो वर्मी सिली हैं ये आईपी में बन के हो जाएंगे तैयार।
चार मिनट प्रेशर कुक होने के बाद इसमें अपने आप ऑफ आ गया था। ऑफ आने के बस करीबन दो मिनट बाद ही आप इसका एक्स्ट्रा प्रेशर हटा दीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गले गले बनेंगे। और अगर आप दो मिनट बाद इसका प्रेशर हटा देंगे तो ये जैसे हम नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे। जब तक मेरी वर्मिसली यहाँ पे बन रही थी आईपी में, इतने मैंने लंच के लिए रोटियाँ बना के भी तैयार कर ली हैं। और अब ये जो वर्मिसली हैं ये हमारे ब्रेकफास्ट के काम में आ जाएंगी। और आप देखिए आईपी में बनने के बाद भी ये एकदम गली गली नहीं बनी है, बिल्कुल जैसे हम प्रेशर कुक जो होता है हमारा उसमें बनाते हैं या फिर कढ़ाई में बनाते हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही बनी है। और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। हम सब लोग जब निकल रहे थे और बच्चों का स्कूल ऑलमोस्ट आने ही वाला था, उनको पहले हम ड्रॉप करते हैं उसके बाद अपनी अपनी जॉब पर जाते हैं। रास्ते में ही जिस लेन में हम जा रहे थे वहाँ पे बहुत सारी डक्स एक साथ जा रही थी, तो थोड़ी देर पॉज लगाना पड़ा। और एक साथ जा भी रही थी प्लस उस वाली लेन से वो हटी नहीं थी, तो फाइनली हम लोगों को लेन चेंज करनी पड़ी। आठ आठ तो हो गए थे और बच्चों को ड्रॉप करना होता है अराउंड 8:15 पे।